Hello dear students, welcome back to the online classes of Perf. देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. हमने हेलो एल्कीन के बारे में पढ़ा था, आज हम हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हेलो एल्कीन जो मेनली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, बट जो आपके एरोमेटिक हेलाइड हैं, हेलो एरीन्स हैं, वो क्या है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू दी सी एक्स बॉन्ड. कौन से बॉन्ड की वजह से, सी एक्स बॉन्ड की वजह से. किसकी वजह से, सी एक्स बॉन्ड की वजह से. क्या होता है सी एक्स बॉन्ड की वजह से, देखो ये है आपका, ये आपका यहाँ कार्बन है, ये आपका यहाँ हो गया. जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये है आपका, ये हो गया एक्स, सी एक्स. ये जो सी है ये कैसा है, डबल बॉन्डेड है. कैसा है, ये डबल बॉन्डेड है. तो इसको डबल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या हो गया, छोटा हो गया. ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, छोटा हो गया. ये सी डबल बॉन्ड सी है और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है. क्या जुड़ा हुआ है इसके साथ, हेलोजन. तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू हेलो एरीन बॉन्ड. इस बॉन्ड के कंपैरिजन में इसकी जो बॉन्ड, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो गया बेटा, छोटा बॉन्ड हो गया. तो बॉन्ड कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया. तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए. इसलिए नॉर्मल कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो आपकी हेलो एरीन्स हैं, दैट डू नॉट शो दी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बट ड्रास्टिक कंडीशंस के अंदर, ड्रास्टिक जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर ये शो कर सकता है. और दूसरी चीज, जब इसके ऊपर कोई क्या प्रेजेंट हो, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर प्रेजेंट हो. कहाँ क्या प्रेजेंट हो, इसके ऊपर जैसे ये एक्स है, इसके साथ क्या हो, कोई हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर प्रेजेंट हो, जैसे OH नेगेटिव है, NH2 है, CN नेगेटिव है, देन ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है. तो अब देखिए, अब उसने क्या शो किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. यहाँ क्या हो गया, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, सोडियम हाइड्रोक्साइड है. तो यहाँ Ne पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ये जो OH नेगेटिव अटैक करने वाला है, दिस इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर. हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंटर क्यों है, बिकॉज इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज स्पीसीज. ये कैसे हैव्स अ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है. ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, ये C6H5 है, दिस इज योर C6H5. अब मैं इसको बेंजीन की फॉर्म में लिख लेती हूँ, ये आपका बेंजीन रिंग फॉर्म में लिख लिया, Cl प्लस NaOH. यहाँ हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे. तो ये Cl और Na क्या चला गया, माइनस NaCl. और यहाँ रिंग पे हमारा क्या आ गया, OH, दैट इज योर फिनॉल. ये क्या है आपका, फिनॉल. ये क्या है आपका, फिनॉल. एंड दिस प्रोसेस इज नॉन टू बी डाउ प्रोसेस. इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, डाउ प्रोसेस कहोगे. कौन सी प्रोसेस कहेंगे हम इसे, डाउ प्रोसेस कहेंगे. इज इट क्लियर. तो अब देखिए, अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, अमोनिया के साथ, तो क्या होता है, ये आपका क्लोरोबेन. जस्ट मिनट, थोड़ा छोटा लिखती हूँ मैं. ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन. क्या हुआ, ये क्लोरोबेंजीन. इसकी रिएक्शन करी हमने अमोनिया के साथ, तो वी हैव टू टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. मैं आपको मैकेनिज्म बता रही हूँ, यहाँ पे रिएक्शन समझा रही हूँ, कंडीशन मैं आपको वहीं बता रही हूँ. तो देखिए यहाँ हमारे पास कितने हैं, दो हैं. कितने सेंटर हैं हमारे पास, यहाँ दो. तो देखिए यहाँ तीन, NHHH. तो देखो ये वाला NH3 मैंने यहाँ लिख लिया, तीन थे और एक इसका चला गया, तो कितने हो गए, NH4 और एक ये Cl. तो क्या चला गया, माइनस NH4Cl. ये ख़त्म यहाँ से, ये यहाँ से ख़त्म. क्या बच गया, ये फिनाइल बच गया, और यहाँ क्या बच गया, NH2. तो इस पोजीशन पे, Cl वाली पोजीशन पे, इस Cl वाली पोजीशन पे क्या आ गया, NH2. और इसका क्या नाम होगा, एनिलीन. क्या नाम होगा इसका, एनिलीन. क्या होगा इसका नाम, एनिलीन. इज इट क्लियर. अब देखिए, अब एक बार यहाँ देखिए,
इसके लिए हमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ वी हैव टू नीड दी 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 50 एटमोसफियर प्रेशर। टेम्परेचर हमारे पास कितना है 250 डिग्री है और प्रेशर हमारे पास कितना है 50 एटमोसफियर। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना चाहते हैं, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम कॉपर साइनाइड के साथ कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए दिस इज़ योर क्लोरोबेंजीन, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ये आपका कॉपर साइनाइड है सी एन। एक मिनट, मैंने आइसोसाइनाइड लिख दिया, ये जस्ट एक मिनट दोबारा से लिख लेते हैं। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, ये हो गया सी एल एन, ठीक है, प्लस कॉपर साइनाइड। आप देखिए कॉपर और सी एल ने क्या बना दिया, क्यूप्रस क्लोराइड चला गया, ये पोजीशन खाली, यहाँ से कॉपर ख़त्म, फिनाइल पोजीशन पे क्या आ गया सी एन, क्या आ गया सी एन। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास है, हाँ इसकी जो रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर इज हियर इज 250 ऑल्सो, हियर ऑल्सो 250, इन प्लेस ऑफ प्रेशर वी टेक दी पायरिडीन। पायरिडीन हमने क्या ले लिया, रिएजेंट ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल, तो रिएक्शन विद मेटल में फर्स्ट जो रिएक्शन करेंगे वो हम क्या करेंगे, फटिग रिएक्शन, क्या करेंगे हम फटिग रिएक्शन। अब देखो पहले हम यहाँ करेंगे हम फटिग रिएक्शन, क्या करेंगे हमने फटिग रिएक्शन, देखिए हमने वुड्स रिएक्शन की थी इन केस ऑफ मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल इन केस ऑफ हेलो एल्किन, हेलो एल्किन के केस में हमने किया था फटिग वुड्स रिएक्शन, तो वहीं रिएक्शन यहाँ है, बट यहाँ एरोमेटिक के केस में से हम क्या कहेंगे फटिग, एरोमेटिक की फटिग ने दी थी, और जो हमारे एल्काइल हैलाइड है उसकी किसने दी थी, वुड्स ने दी थी। ठीक है, वहाँ हमने क्या लिए थे, दो मॉलिक्यूल लिए थे हेलो एल्किन के, तो यहाँ हम दो मॉलिक्यूल किसके लेंगे, एरोमेटिक एल्केन के। ठीक है, हेलोरिन के ले लिए हमने दो मॉलिक्यूल, एक इधर लिख लिया मैंने, एक इधर लिख लिया दो, फिर हमने क्या लिए थे सोडियम मेटल ली थी, दो सोडियम एटम ले लिए हमने, एक ये वाला NaCl और एक ये वाला NaCl, दो NaCl ख़त्म। अब यहाँ क्या बच गया, फिनाइल, यहाँ भी क्या बच गया फिनाइल, और ये क्या हो गया बाई फिनाइल, क्या हो गया ये बाई फिनाइल, क्या नाम हो गया इसका, मैं यहाँ लिख देती हूँ इसका नाम, हमारे पास प्रोडक्ट बना ये, और नेम ऑफ दिस प्रोडक्ट इज बाई फिनाइल नाइल, क्या नाम है इसका, सॉरी बाई फिनाइल, क्या नाम है इसका बाई फिनाइल, इज इट क्लियर। अब हम कर लेते हैं वुड्स फटिग रिएक्शन, अब हम क्या कर लेते हैं वुड्स फटिग रिएक्शन, वुड्स फटिग रिएक्शन, देखिए वुड्स फटिग क्या है, वुड्स और फटिग को मिक्स कर दिया, एक मॉलिक्यूल हमने किसका ले लिया आरएक्स का ले लिया, दो ही हमने क्या ले लिए सोडियम मेटल ले ली, ये हेलो एल्केन है, दूसरा हमने क्या ले लिया हेलो एरिन ले लिया, ये वाला NaCl, ये वाला NaX, क्या बच गया आर, और ये फिनाइल, क्या हो गया ये एल्काइल बेंजीन, क्या नाम हो गया इसका एल्काइल बेंजीन। एग्जांपल देख लीजिए आप इसका, मैंने यहाँ ले लिया C2H5Cl प्लस 2Na, दोनों Na को मैंने अलग लिख लिया, प्लस क्लोरोबेंजीन, क्या लिया हमने क्लोरोबेंजीन, ये सब ने मिलके क्या बना लिया दो NaCl चले गए यहाँ से, दो Na हैं दो Cl, C2H5 इसका नाम क्या हो गया फिनाइल इथेन या बेंजाइल इथेन। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए, दिस इज़ योर वुड्स फटिग रिएक्शन, ये जो आपकी रिएक्शन है दैट इज़ योर वुड्स फटिग रिएक्शन, इथाइल बेंजीन इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है, बेंजाइल इथेन इसका आयुपैक नेम हो गया, इज इट क्लियर, कोई डाउट, फटिग मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा, ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।